हेलो क्लास, टुडे वी विल रीड क्लास 5th चैप्टर नंबर 10, माइस दैट एट आयरन। चूहे या चूहा जिसने यानी कि लोहा खाया। कलेक्ट करना है आयरन बैलेंसेज कम इन डिफरेंट साइजेज। यानी आयरन बैलेंस यानी तराजू जो आती है वो अलग अलग साइज यानी आकार में आती है। विजिट ए ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस वेयर सच बैलेंसेज आर स्टिल इन यूज। विजिट यानी कि आपको घूमना है या जाना है एक पारंपरिक मार्केट प्लेस, यानी कि मार्केट प्लेस यहाँ पर बाजार लगता है, ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर अभी तक ऐसी तराजू यूज हो रही हैं, अभी तक प्रयोग में लाई जा रही हैं। लर्न हाउ दे फंक्शंस, आपको ये सीखना है वो कैसे कार्य करती है, कैसे काम करती है। कम्युनिकेट करना है, स्पीक टू ए बिजनेस पर्सन इन योर लोकेलिटी एंड लर्न अबाउट हर और हिज बिजनेस। यानी स्पीक यानी कि आपको बात करनी है एक बिजनेसमैन से, बिजनेस व्यक्ति, बिजनेस करने वाला व्यक्ति, उससे आपको बात करनी है इन योर लोकेलिटी जो आपके आसपास का स्थानीय हो। एंड लर्न अबाउट हर और हिज बिजनेस यानी कि आप लड़की हो या फिर लड़का हो उसके बिजनेस के बारे में आपको जानना है। डिस्कस व्हाट यू लर्न इन क्लास, तो जो भी आपने सीखा है उसे क्लास में आपको डिस्कस करना है। मैच सेलिब्रेट करना है, मैच दीज एनिमल्स टू देयर फेवरेट फूड आइटम्स। तो ये इन एनिमल्स को उनके फूड आइटम से मैच करना है, तो ये आप कर ही लेंगे। चलते हैं लेसन पर। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ रिच मैन, रिच मर्चेंट इन ए विलेज। एक समय की बात है, यहाँ पर एक रिच मर्चेंट यानी कि अमीर व्यापारी रहता था गांव में। बाय द नेम ऑफ मोहनलाल, मोहनलाल उसका जो नाम था वो मोहनलाल था। ही ओन्ड ए बिग बिजनेस, उसका खुद का अपना एक बड़ा व्यापार था। द विलेज इन विच ही लिव्ड वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। जिस गांव में वो रहता था वो एक नदी के किनारे पर स्थित था। वंस एक बार क्या हुआ था, ड्यू टू हैवी रेन्स एक बार भारी वर्षा हुई, तेज वर्षा हुई, द रिवर गॉट फ्लूडेड, तो जो नदी थी उसमें बाढ़ आ गई। द एंटायर विलेज वॉज सबमर्ज्ड इन नेक डीप वाटर्स, तो पूरा का एंटायर बोलते हैं पूरा का पूरा जो गांव था, सारा का सारा जो गांव था डूब गया था इन नेक डीप वाटर्स, लगभग गर्दन तक गहरा, गर्दन के जो पानी था, जो लोग थे उनकी गर्दन तक पानी आ गया था। द क्रॉप्स जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। द हाउसेज एंड द फैक्ट्रीज इन द विलेज वर ऑल डैमेज्ड, तो उसमें फसलें और जो घर थे और जो फैक्ट्रीज थी गांव में वो सभी की सभी नष्ट हो गई, डैमेज हो गई, ख़राब हो गई थी। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल और लगभग सैकड़ों लोग एंड कैटल्स पेरिश्ड इन द फ्लड वाटर्स, लगभग सैकड़ों लोग और पशु उस फ्लड वाटर्स में यानी कि बाढ़ का जो पानी था उसमें नष्ट हो गए, पेरिश्ड बोलते नष्ट हो गए ड्यू टू द कैलामिटी। इस आपदा के कारण क्या हुआ था, मोहनलाल हैड टू सफर ए ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस, तो मोहनलाल को एक अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। ही डिसाइडेड टू लीव द विलेज, उसने गांव को छोड़ने का निश्चय किया। एंड ट्राई हिज लक एट ए न्यू प्लेस, और उसने अपने भाग्य को दूसरे नए स्थान पर आजमाने की कोशिश की। हिज प्लान वॉज टू मेक ए लॉट ऑफ मनी, उसका जो उसकी योजना थी वो थी बहुत सारा धन कमाने की, बहुत सारा धन इकट्ठा करने की। एंड देन कम बैक टू हिज नेटिव विलेज, और उसके बाद में अपने गांव यानी कि नेटिव जो मतलब उसका जो मूल निवासी था गांव का, वहां पर उसे वापस आ जाना था। एंड स्टार्ट हिज बिजनेस, और दोबारा से उसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना था, रिस्टार्ट कर देना था। विद दिस इंटेंशन, वो इस इरादे से गांव को छोड़ना चाहता था। ही सोल्ड ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग्स एंड पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, और उसके पास में जो भी चीज़ थी मतलब ही सोल्ड ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग, उसने सारी चीज़ें बेच दी जो भी इससे संबंधित थी। एंड पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, और उसने अपना कर्ज चुकाया। नाउ मोहनलाल वाज ओनली लेफ्ट विद ए हैवी आयरन बैलेंस, अब मोहनलाल के पास केवल एक हैवी आयरन बैलेंस यानी एक लोहे की तराजू रह गई थी जो कि बहुत ज़्यादा भारी थी। डैट बिलोंग टू हिज एंसेस्टर, जो कि उनकी उसके पूर्वजों की थी। एंसेस्टर बोलते हैं पूर्वज या फिर पुरखों या फिर पितरों की थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कैरी सच ए हैवी आयरन बैलेंस, और उसके लिए संभव नहीं था कि इतनी भारी सी हैवी आयरन को ले जाना, यानी कि जो भारी जो तराजू थी उसको ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। मोहनलाल वेंट टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड देवेंद्र एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कीप द बैलेंस फॉर हिम टिल ही रिटर्न,
तो मोहलन अपने मित्र को अलविदा कहने के लिए गया और उससे प्रार्थना की कि वो उस तराजू को अपने पास रख ले जब तक कि वह लौट कर न आए। देवेंद्र रियली एग्रीड टू हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एंड सैड। तो देवेंद्र जो था वो अपने फ्रेंड यानी कि मित्र की प्रार्थना पर एग्री हो गया, सहमत हो गया था, और उसने बोला, क्या बोला? डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल कीप इट सेफ फॉर यू, मैं इसे सुरक्षित रखूँगा तुम्हारे लिए। यू कैन टेक इट बैक आफ्टर यू रिटर्न होम, तुम इसे ले सकते हो वापस जब तुम घर वापस आ जाओ। मोहनलाल थैंक्ड देवेंद्र फॉर हिज हेल्पिंग एटीट्यूड एंड लेफ्ट द बैलेंस विद हिम। तो मोहनलाल ने अपने मित्र के इस हेल्पिंग रवैये यानी सहायता करने वाला जो उसका रवैया था उसके धन्यवाद दिया और तराजू को उसके पास छोड़ दिया। मोहनलाल लेफ्ट द विलेज इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश हिज टारगेट। तो मोहनलाल ने गांव को छोड़ दिया किसके लिए? अकम्प्लिश हिज टारगेट, उसका जो टारगेट था, उसका जो लक्ष्य था, उसे पूरा करने के लिए उसने गांव को छोड़ दिया। फॉर मैनी ईयर्स मोहनलाल ट्रेवल्ड फार एंड वाइड। तो लगभग कई वर्षों तक मोहनलाल ने फार दूर दूर तक और पूरे मतलब जो लंबे लंबे विश्व थे दूर दूर जो विश्व में वहाँ पर उसने यात्रा की। ट्राइंग हिज लक, अपने लक को अपने भाग्य को आजमाया। बाय दिस टाइम, और इस समय के दौरान मोहनलाल हैड डन गुड बिजनेस एंड अर्न अ लॉट ऑफ। तो मोहनलाल ने एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और उसने बहुत सारा धन भी कमा लिया। ही रिटर्न टू हिज विलेज, वह अपने गांव में वापस लौट आया। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस अगेन, उसने दोबारा से अपना व्यापार को स्टार्ट कर दिया था। ही वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड देवेंद्र, वो अपने मित्र यानी कि देवेंद्र के पास में घूमने गया। हु ग्रेटेड हिम वार्मली, जिसने उसका स्वागत किया, अभिवादन किया हिम वार्मली बड़े जोश से। एंड बोथ टॉक्ड फॉर आवर्स, और उसने लगभग घंटों तक बातें की। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव, जब जाने का समय आया, मोहनलाल आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज आयरन बैलेंस। तो मोहनलाल ने देवेंद्र से अपनी जो आयरन बैलेंस है लोहे की तराजू थी उसे लौटाने के लिए पूछा। देवेंद्र ने उत्तर दिया, फ्रेंड मित्र, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करना, टू से ये कहते हुए मुझे क्षमा लगना मतलब मुझे क्षमा करना, दैट आई डू नॉट हैव योर बैलेंस विद मी एनी मोर, कि मैं तुम्हारी तराजू को अपने साथ लंबे समय तक नहीं रख पाया। एक्चुअली वास्तव में क्या था, देयर आर अ लॉट ऑफ माइस इन माई हाउस, कि वास्तव में क्या कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं, दे एट अप योर बैलेंस, वो तुम्हारी तराजू को खा गए। देवेंद्र न्यू दैट द बैलेंस वुड फेच हिम गुड मनी, सो ही डिड नॉट विश टू रिटर्न इट। देवेंद्र जानता था कि जो तराजू है वो उसके लिए बहुत अच्छा यानी बहुत सारा धन लेकर के आएगी या बहुत सारा धन लाएगी। सो ही डिड नॉट विश टू रिटर्न, इसलिए उसने उसे लौटाने की इच्छा नहीं की। मोहनलाल वाज अमेज्ड टू हियर देवेंद्रज एक्सप्लेनेशन। मोहनलाल अचंभित था देवेंद्र के विवरण से, यानी कि देवेंद्र का जो एक्सप्लेनेशन था उसके सुन करके बहुत ज़्यादा अचंभित था। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ कैन माइस ईट आयरन, उसने सोचा कि चूहे लोहा कैसे खा सकते हैं। स्टिल ही केप्ट काम एंड सैड, और जब तक तो वह थोड़ा सा शांत रहा और बोला, डोंट फील सॉरी देवेंद्र, देवेंद्र मतलब चिंता मत करो या फिर मतलब सॉरी मत बोलो। द माइस हैव ऑलवेज प्रूव्ड अ थ्रेट टू एवरीवन, जो चूहे होते हैं वो हमेशा साबित होते हैं किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई खतरा साबित होते हैं। लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाओ, चलो इसके बारे में भूल जाओ। देवेंद्र वाज हैप्पी टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम मोहनलाल, तो देवेंद्र बहुत खुश हुआ इस तरह के शब्दों को सुन करके मोहनलाल से। व्हाइल लीविंग देवेंद्रज होम, देवेंद्र के घर को जब वो छोड़ के जा रहा था, मोहनलाल आस्क्ड हिम, तो मोहनलाल ने उससे पूछा, कैन यू सेंड योर सन विद मी, कि क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो। एक्चुअली वास्तव में क्या, आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर के आया था, एक उपहार लेकर के आया था। एंड इफ़ योर सन विल कम विद मी, कि अगर तुम्हारा बेटा मेरे साथ आएगा, आई विल हैंड ओवर द गिफ्ट टू हिम, तो मैं उसके हाथ में गिफ्ट दे दूंगा, वो पहाड़ में से जो लेकर के आया उसको दे दूंगा। देवेंद्र हैप्पीली सेंट हिज सन राजेश विद मोहनलाल, तो देवेंद्र ने बड़े खुशी से
अपने बेटे राजेश को उसके मोहनलाल के साथ भेज दिया। मोहनलाल लॉकड अप राजेश इन ए रूम इन हिज हाउस। तो मोहनलाल ने राजेश को एक कमरे अपने घर के ही कमरे में बंद कर दिया बाय नाइट टाइम। रात के समय के दौरान देवेंद्र गॉट वरीड एंड केम टू आस्क अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज सन। तो नाइट के दौरान जो समय जब ज़्यादा हो गया तो देवेंद्र को बहुत ज़्यादा चिंता हुई एंड केम बैक टू आस्क और ये पूछने के लिए आया अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज सन कि उसके सन का बेटे का ठिकाना कहाँ है। वेयर अबाउट्स बोलते हैं ठिकाना। मोहनलाल ने उत्तर दिया आई एम सॉरी मुझे क्षमा करना फ्रेंड मित्र मुझे क्षमा करना। व्हेन वी वर ऑन द वे जब हम रास्ते में थे ए हॉक स्वूप्ड डाउन एंड कैरीड अवे द बॉय। तो एक हॉक यानी कि एक बाज ने झपट्टा मारा स्विफ्ट बोलते हैं झपट्टा मारना नीचे झपट्टा मारा और बेटे और लड़के को ले गया। देवेंद्र शाउटेड देवेंद्र चिल्लाया हाउ कैन ए हॉक कैरी ऑफ ए यंग बॉय कि एक बाज एक बच्चे को यंग बच्चे को कैसे लेके जा सकता है। ही एक्यूज्ड मोहनलाल ऑफ लैम उसने मोहनलाल को दोष ठहराया झूठ बोलने के लिए। ही इंसिस्टेड दैट ए हॉक कुड नॉट कैरी ऑफ ए 15-year-old बॉय। मोहनलाल उसने देवेंद्र ने उससे आग्रह किया कि एक बाज 15 वर्ष के बच्चे को या लड़के को नहीं लेके जा सकता। मोहनलाल रिपीटेडली क्लेम्ड दैट ए हॉक कैरीड अवे देवेंद्रराज सन। तो मोहनलाल ने बार बार रिपीटेडली बोलते हैं बार बार दावा किया कि एक हॉक देवेंद्र के बेटे को लेकर के गया है या चला गया है। ए बिग फाइट एंजियोज्ड एंड अल्टीमेटली द मैटर वाज टेकन टू कोर्ट। एक बहुत लंबे लड़ाई होने के बाद में ठीक है आखिरकार जो मैटर था जो मामला था वो कोर्ट में चला गया। व्हेन द मजिस्ट्रेट हर्ड देवेंद्रराज साइड ऑफ द स्टोरी जब मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश ने देवेंद्र के तरफ की स्टोरी सुनी या कहानी को सुना ही ऑर्डर मोहनलाल टू रिटर्न द बॉय टू हिज फादर। और तो उसने मोहनलाल को ऑर्डर दिया आदेश दिया कि वह बेटे लड़के को उसके पिताजी को सौंप दे या दे दे वापस दे दे। मोहनलाल बोला माय लॉर्ड हाउ कैन आई तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। व्हेन ए हॉक हैज ऑलरेडी कैरीड अवे द बॉय जबकि एक हॉक यानी कि जो बाज है वो पहले से ही उस बच्चे को लेके चला गया है। द जज रिप्रमेंडेड मोहनलाल स्टॉप तो जो जज था मोहनलाल को उसने धमकाया डांटा और रुको स्टॉप लाइंग झूठ बोलना बंद करो। हाउ कैन ए बर्ड कैरी अवे ए यंग बॉय इन दिस टैलेंट्स तो एक पक्षी बच्चे को लड़के को यंग लड़के को लेके कैसे जा सकता है टैलेंट्स यानी कि अपने नाखून या पक्षी के नाखूनों में। मोहनलाल पोलाइटली रिप्लाइड मोहनलाल ने बड़े विनम्रतापूर्वक रिप्लाइड किया इट कैन माय लॉर्ड इफ माइस कैन ईट माय आयरन बैलेंस इट कैन ये हुआ है माय लॉर्ड मेरे भगवान इफ माइस कैन ईट माय आयरन बैलेंस कि चूहे अगर मेरा आयरन बैलेंस यानी लोहे के तराजू को खा सकते हैं वाई कैन ए बर्ड नॉट कैरी अवे ग्रोन अप बॉय तो एक पक्षी एक नौजवान या वयस्क व्यक्ति को लेकर के लड़के को लेकर के क्यों नहीं जा सकता। द मजिस्ट्रेट वाज कन्फ्यूज मजिस्ट्रेट थोड़ा असमंजस में आया एंड देन मोहनलाल नैरेटेड द होल स्टोरी टू द जज और उसके बाद मोहनलाल ने पूरी कहानी को जज को बताया। एवरीवन इन द कोर्ट रूम बस्ट आउट लाफिंग तो कोर्ट रूम में जितने भी लोग थे एवरीवन यानी हर कोई जो लोग था वो बहुत जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। एट लास्ट और अंत में देवेंद्र एपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक तो देवेंद्र ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। द जज ऑर्डर हिम टू रिटर्न द आयरन बैलेंस टू मोहनलाल तो देवेंद्र को उस जज ने ऑर्डर दिया आदेश दिया कि वो मोहनलाल को आयरन की तराजू वापस कर दे एंड आस्क्ड मोहनलाल टू रिटर्न द बॉय टू देवेंद्र तो और उसने मोहनलाल को आदेश दिया कि वो देवेंद्र के बेटे को लौटा दे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन
वाई डिड मोहनलाल लीव दिस लीव हिज विलेज, तब मोहनलाल ने अपने गांव को क्यों छोड़ दिया। आंसर ड्यू टू कैलामिटी एज फ्लूड, मोहनलाल वी अफेक्टेड अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस सो ही डिसाइडेड टू लेफ्ट द बेज। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वाई डिड देवेंद्र, तो देवेंद्र आयरन बैलेंस को लौटाना क्यों नहीं चाहता था। बिकॉज देवेंद्र बिलीव, क्योंकि देवेंद्र को विश्वास हो गया था दैट द बैलेंस वुड कैरी हिम गुड मनी, तो जो बैलेंस है तराजू है वो उसके लिए अच्छा धन लेकर के आएगी। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, व्हाई डिड मोहनलाल आस्क देवेंद्र टू सेंड हिज ऑन अलोंग विद हिम, तो देवेंद्र ने मोहनलाल देवेंद्र से क्यों पूछा कि वह अपने बेटे को अलोंग या दूसरे साथ भेज दे। मोहनलाल वांटेड देवेंद्र टू एस्केप हिज लाइफ, तो मोहनलाल ने देवेंद्र को एक्सेप्ट किया, मनाया कि वो ही आल्सो विश्ड टू टीच देवेंद्र ए लेसन, सो ही प्लान्ड टू टेक ए सन विद हिम एंड टेल ए सिमिलर स्टोरी टू हिज फ्रेंड। व्हाई डिड द जज रिप्रिमेंड मोहनलाल, द जज रिप्रिमेंडेड मोहनलाल सेइंग दैट How can a bird carry a young boy, carry away a young boy in its sharp nails? What was the judge's final decision? Answer देखेंगे, the judge's final decision was that the judge ordered Devendra to return the iron balance to Mohanlal and Mohanlal to return the boy to Devendra. आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें रेफरेंस के साथ में आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ आंसर का आंसर देना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, रेफरेंस देखेंगे, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माइस दैट द डेटर दैट एट एट आरन। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इन दिस लाइंस टोलेस्ट व्हेन मोहनलाल हैव टू लेफ्ट हिज हैवी आरन बैलेंस ड्यू टू फ्लूड दैट बिलोंग्स टू हिज एंसेस्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मोहनलाल डिसाइडेड टू लीव द विलेज, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आंसर हो जाएगा, मोहनलाल हैड टू सफर ए ह्यूज लॉस इन विलेज इन हिज बिजनेस ड्यू टू फ्लड वाटर, सो ही डिसाइडेड टू लीव द विलेज। सेकंड देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक मोहनलाल डिड नॉट सेल ऑफ हिज आयरन बैलेंस लाइक हिज अदर बिलोंगिंग्स। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बिकॉज द आयरन बैलेंस वॉज वेरी हैवी एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू हिज एंसेस्टर, so he could not sell the iron balance. Second paragraph देखते हैं, reference same रहेगा, the lines have been taken from the lesson mice that eight iron, context change हो जाएगा। Why do you think Devendra really agreed to keep the iron balance? Answer देखेंगे, because he knew that he heavy balance would carry him a good many. Next question देखते हैं, what was Mohanlal's target? Answer देखते हैं, Mohanlal's target was that he have to repay his debt. There was some bad meaning from the situation. Merchant, anti-submerged, cattle perished, calamity, leave, intention, paid, debt, ancestor, iron balance, accomplice, grated, warmly, fetch, warehouse, hawk, swooped, accused, arrested, insisted, enthused, ultimately, reprimanded, talents, apologized, magistrate, repeatedly. So now this lesson has finished. Now we will do next lesson on another day.